8.4 एक्सरसाइज है, 10th क्लास की, 4th का सेकंड पार्ट है। 1 प्लस टैन थीटा प्लस सिकेंट थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसिकेंट थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। आंसर में ऑप्शन दिए हैं 0, 1, 2 और माइनस 1। तो हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन में जो हमें गिवन है टैन सिकेंट कॉट और कॉसिकेंट, इनको इन द फॉर्म ऑफ साइन और कॉस चेंज करते हैं। फर्स्ट 1 प्लस टैन थीटा का हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, प्लस सिकेंड का होता है 1 प्लस कॉस थीटा, हमने ये पुट कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉसिकेंट का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन साइन थीटा, ये हमने पुट कर दिया है। इसके बाद देखने से पता चल रहा है कि हमें यहाँ पे एलसीएम फाइंड लेना है, तो हमने एलसीएम लेंगे इसका। कॉस थीटा एलसीएम आता है तो हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी एलसीएम ले लेंगे, यहां आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, इस साइड आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, जो कि बहुत ध्यान से देखना है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को ब्रैकेट में लिखना है, बस ब्रैकेट ही लगानी है प्लस 1 और एक ये क्लोज ब्रैकेट लगा देनी है इस तरह से, मतलब कुछ चार चेंजेस नहीं किए हैं, सिर्फ ब्रैकेट में लिखा है। नेक्स्ट सिमिलरली इसी तरह से यहाँ पे साइन थीटा, आप चाहो तो कॉस थीटा पहले लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस में हम टर्म्स को आगे पीछे लिख देते हैं, और माइनस 1 को लिख के इस तरह से हमें ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। डिनोमिनेटर में जो टर्म्स हैं उनको एज इट इज ही लिख देना है हमें। डिनोमिनेटर में आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये हमने इसी तरह से लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम ध्यान से देखें, देखो अगर हम कॉस प्लस साइन को एक टर्म मानते हैं, अगर ए मानते हैं और ये 1 वी है, सिमिलरली ये ए ए है और ये बी है, तो ए प्लस बी ए माइनस वी हमारे पास फॉर्मूला है। ए प्लस बी ए माइनस बी होती है ए स्क्वायर मतलब कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, क्योंकि ये सारा ही हमारा ए है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमने ये फॉर्मूला लगा दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा एज इट इज, क्लियर, ये फॉर्मूला क्लियर हुआ। ए प्लस वी ए माइनस वी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये हमने पुट कर दिया। अब ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, ये हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos theta into sin theta, तो इस तरह से हमारा आ गया ये cos square theta plus sin square theta plus 2 sin theta cos theta minus 1 divided by cos theta into sin theta। अब हमारे पास फॉर्मूला है कि जो cos square theta plus sin square theta होता है, या हम कह सकते हैं कि जो sin square theta plus cos square theta होता है, इतनी टर्म जो होती है ये हमारी 1 के इक्वल होती है, तो हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 होगा। अब 1 और ये 1 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा टू साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हमारा साइन थीटा कॉस थीटा और ये कॉस थीटा साइन थीटा, हमने ऐसे लिख दिए।
अब साइन के साथ साइन और कॉस के साथ कॉस कैंसिल होने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी जो है वो राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए। 10th क्लास के लिए एक्सरसाइज 8.4 का नेक्स्ट सम है, फोर्थ का थर्ड पार्ट है, सिकेंड ए प्लस टेन ए इंटू वन माइनस साइन ए। इसका आंसर ऑप्शन दिए हुए हैं, सिकेंड ए आएगा, साइन ए आएगा, कॉसिकेंड ए आएगा या फिर कॉस ए आएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन होएगा। हम सबसे पहले पुट कर देते हैं सिकेंड ए और टेन ए की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड कॉस। तो सिकेंड का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन cos a प्लस टेन का फॉर्मूला होता है साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू वन माइनस साइन ए। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया है। अब हम कॉस ए वाला ये वाला इस साइड का एलसीएम ले लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा कॉस ए ऊपर आएगा 1 प्लस साइन ए इंटू वन माइनस साइन ए। ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, ऊपर आ गया है 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए हमारे पास होता है 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये इस तरह से आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। अब 1 का स्क्वायर हमारे पास आता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। हमारे पास फॉर्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए। तो हम लिख देंगे इसकी जगह कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आंसर में आ जाएगा सिर्फ कॉस ए। तो इसका मतलब ऑप्शन डी जो है वो राइट ऑप्शन होएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फोर्थ पार्ट, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस cot स्क्वायर ए। ऑप्शन दिए हुए हैं सिकेंड स्क्वायर ए, माइनस 1 cot स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर ए, इनमें से कौन सा आंसर होएगा इस क्वेश्चन का। हमारे पास जो गिवन है वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस cot स्क्वायर ए। हमारे पास cot जो होता है cot a, इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन tan a, एक ये फॉर्मूला है इसको हम यूज करेंगे, ये आएगा 1 अपॉन tan स्क्वायर a। नेक्स्ट स्टेप में हम एलसीएम ले लेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर a को एज इट इज लिख देंगे, और ये देखो यहाँ पे ऐसे 1 है तो हम इसका एलसीएम ले सकते हैं tan स्क्वायर a, ये हमारे पास आ जाएगा tan स्क्वायर a माइनस 1, इस तरह से आ जाएगा हमारे पास कुछ। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हमारे पास इस तरह से टर्म्स दी हुई हैं, ये वाली टर्म्स इस तरह से हैं, तो क्या होगा ये जो सबसे लास्ट वाली टर्म है ये सबसे ऊपर चली जाएगी, तो ये आ जाएगा 1 प्लस इस तरह से टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय टेन स्क्वायर ए माइनस 1 इंटू टेन स्क्वायर ए सबसे ऊपर आ जाएगा इस तरह से कुछ, ये हमारे पास आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास प्लस दिया हुआ है, यहाँ पे ये प्लस है हमारा क्वेश्चन, तो इस तरह से ये आ जाता है प्लस में क्वेश्चन। अब नेक्स्ट स्टेप में ये 1 प्लस tan स्क्वायर a को एज इट इज लिख के डिवाइडेड बाय, इसको भी हम 1 प्लस tan स्क्वायर a लिख सकते हैं इंटू टेन स्क्वायर ए एज इट इज। 1 प्लस tan स्क्वायर a और 1 प्लस tan स्क्वायर a ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास और आंसर में आ जाएगा ओनली tan स्क्वायर a। तो राइट ऑप्शन आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी।